नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है दोस्तों, ये है आपकी सीडीपी की क्लास। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास, मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैंने आपको जो भी आपका यूपी टेट है, ठीक है, और आपका जो सुपर टेट है, मैंने इन सभी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ये जो आपका चैप्टर है, ये आपके यूपी टेट में भी है, सुपर टेट में भी है। और यहां पर जो यूपी टेट है उसमें ये पहला ही आपका चैप्टर है अभिवृद्धि एवं विकास, मतलब कि बाल विकास, ठीक है। तो आज ये जो आपका चैप्टर होगा, ये चैप्टर तो पहला है, लेकिन इसमें अगर हम देखें क्लास, क्योंकि मैंने इसकी प्लेलिस्ट में जो आपको क्लासेस दी हैं, सबसे पहली क्लास है कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद अब ये दूसरी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो आप लोग जो है देखिए क्लास को पूरा देखा करिए, अदरवाइज उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए। क्लास जब तक आप अंतिम तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है कि आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करिए जब आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि हाँ इन्होंने सही पढ़ाया है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग इसमें अंतर है, प्रमुख आयाम इसके कौन कौन से हैं, प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है विकास के, और कुछ और जो है हम लोग फैक्ट चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछी गई हैं। अगर मैं बात करूं जो यूपी टेट का 2017 का एग्जाम है, आज की क्लास से उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिक्टो यहीं से उठा के पूछे गए हैं। तो आप क्लास को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर यहां पर देखें तो जो सबसे पहले बात आती है कि विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है या वृद्धि क्या है, मतलब कि जो आपका अभिवृद्धि लिखा है मतलब ग्रोथ है, और विकास क्या है, डेवलपमेंट है। तो इसके बारे में सबसे पहली चीज होती है कि हम इसको समझें कि ये क्या है, है ना। सबसे पहले तो यही समझना है कि ये चीज क्या है। तो चलिए फटाफट से हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखिए यहां पर जो है अभिवृद्धि जो होती है, क्या लिखा है, हमारे शरीर की बाह्य संरचना का आकार का बढ़ना, मतलब कि जो बाहरी बनावट होती है शरीर की, जब जैसे आकार है शरीर का, जैसे हाथ है, हाथ जब छोटा बच्चा होता है तो वो छोटा होता है हाथ, लेकिन इस समय हम लोगों के हाथ बड़े हैं, शरीर बड़ी होती है, मतलब बाहर से हम लोगों को दिखता है कि आकार बढ़ रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि विकास क्या होता है, तो विकास होता है ये हम लोगों को दिखता भी है नहीं भी दिखता है, मतलब किसमें किसमें परिवर्तन है, कि ये मानसिक होता है, सामाजिक होता है, बौद्धिक होता है, नैतिक होता है, इन सभी कारकों में भाषा का विकास होता है, इन सभी कारकों में जब परिवर्तन होता है तो वही क्या होता है, विकास होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि उसे ही हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। यहां पर एक शब्द लिखा है परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी, जब इन्हीं चीजों में क्या आती, दृढ़ता आती है, मैच्योर होता है वो सारी चीजें, मतलब स्थायी होती हैं, तो उसे हम कहते हैं विकास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों में आप अंतर समझ गए। अब आप कहेंगे कि हाँ यहां पर तो शरीर का विकास हुआ, यहां कैसे, तो देखिए जब बालक छोटा होता है तो उसके पास शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए, धीरे 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 उसका भंडार बढ़ता है, ठीक है, तो ये विकास होता है, ये शारीरिक विकास नहीं है बल्कि क्या है, मानसिक या आप कह सकते हैं सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, क्योंकि भाषा क्या होती है, समाज से अर्जित की जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब बालक, देखिए पहले क्या होता है, बालक तर्क नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, फिर धीरे 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 उसका विकास होने लगता है। इसके बारे में मैंने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है और वाइगोत्स्की का जो विकास है वो दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो उसे आप जरूर जाकर के देख लें, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। नैतिक विकास जो अभी कोहलबर्ग का आप पढ़ेंगे तो ये सभी आपके किस में आते हैं, विकास में आते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभिवृद्धि और विकास। यहां पर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि एक देखिए यहां पर परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, परिभाषा क्या है यहां पर ध्यान से समझिए। देखिए लिखा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है, किसने कहा है, तो हरलाक ने कहा है। अब आपको यहां पर की पॉइंट्स केवल देखने हैं, ठीक है, नवीन विशेषताएं
और नवीन योग्यताएं, ठीक है। तो जहां पर ये शब्द आपको दिखे आप तुरंत क्या करेंगे, हर लॉक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, या आप सीधे सीधे ध्यान दीजिए, नवीन नवीन आ गया तो नवीन क्या हो जाएगा, हर लॉक, नवीन पे लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर मैं बात करूं, देखिए यहां अब हम लोग आगे चलते हैं, अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर और है एक एक करके हम उसको भी समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, वृद्धि जो है मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक का मतलब होता है कि इसको आप माप के देख सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है, मतलब इसका परिमाण आप पता कर सकते हैं। तो परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, क्या होता है, जो इंग्लिश वाले हैं वो देख लें, ठीक है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितनी मात्रा में विकास हुआ है, माप कीजिएगा कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है, ये हम माप सकते हैं। जैसे हाथ कितना जो है बढ़ा है बच्चे का, ये हम माप सकते हैं, दिखता है, परिमाणात्मक होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो विकास होता है ना, ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कैसे आप कहेंगे, जब दिखता नहीं है तो कैसे मापेंगे, भाषा विकास बच्चे का देख लीजिए आप, भाषा विकास, जैसे बालक जब छोटा होता है तो उसके शब्दों की संख्या कम होती है, फिर जब वो बढ़ता है, जैसे भाषा विकास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, जब वो बढ़ता है तो क्या होता है, उसके शब्द भंडार बढ़ते, तो हम कहते हैं हाँ इसका विकास यहां से यहां तक हुआ। इसी तरीके से तो ये मात्रात्मक भी हो गया। गुणात्मक में क्या है, जो चीजें हमको नहीं दिखती है, जैसे संज्ञान का विकास जब होता है वो हमको नहीं दिखती है, तो वो कैसी हो जाती है, गुणात्मक विकास में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है विकास। आगे अगर हम बात करें कि वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, ये बाह्य होता है या प्रत्यक्ष होता है, मतलब एक्सटर्नल होता है, जो दिखता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या होता है, प्रतिधन अक्ष, प्रति मतलब सामने और अक्ष मतलब आंख के, जो आंख के सामने आपको दिख जाए वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, मतलब कि बाह्य होता है। जैसे शरीर का विकास आप बाहर से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि विकास क्या, माफ कीजिएगा, वृद्धि की बात हो रही है यहां, विकास की बात करें तो विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है, जिसे आप समझ सकते हैं, है ना। तो आंतरिक में जैसे दिमाग बालक का, मस्तिष्क विकसित होता है तो आंतरिक हो जाता है, लेकिन बाह्य में आप अगर बात करें तो जैसे आपको भाषा का विकास आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि वृद्धि जो है ये निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, हाँ ये जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बनता है। वृद्धि, आप जान रहे हैं कि वृद्धि जो है ये शरीर में मूर्त रूप से जो दिखती है, बाहर से दिखती है, उसे हम कहते हैं वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है, क्या शरीर पूरे जीवन पर्यंत बढ़ता है, आप कहेंगे नहीं, एक निश्चित समय पर जाकर ये शारीरिक जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है ना। तो यही जो होता है, यही क्या हो जाता है आपका, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये निश्चित समय तक ही चलती है। विकास की बात करें तो ये जीवन पर्यंत चलती है। अब विकास में जैसे हम हमेशा सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत सीखते हैं, और सीखना किस में आता है, विकास में ही आता है, मानसिक विकास में आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है कि विकास कैसा है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। आगे अगर हम बात करें, आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। वृद्धि का मापन संभव है, बिल्कुल, वृद्धि को तो आप माप ही सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। और यहां विकास का मापन आसानी से संभव नहीं है, लेकिन कुछ आयामों का मापन हम कर सकते हैं। जैसे किसका, तो आप कहेंगे मानसिक विकास का। अब मानसिक विकास का कैसे करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि बुद्धि का मापन हो गया है, IQ, ठीक है, IQ का मापन किया गया है, तो इसको हम लोग माप सकते हैं, लेकिन ये केवल एक परीक्षण निरीक्षण के द्वारा मापा जा सकता है, बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम सटीक ही। जैसे सामान्य बुद्धि के बालक कितने होते हैं, 90 से 110, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ एक क्राइटेरिया बांट दिया गया, लेकिन बहुत आसान नहीं है इसको बांटना, ठीक है। तो ये आपके रहे जो है अभिवृद्धि एवं विकास में कुछ अंतर। अब आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए कम समय में ज्यादा चीजें समझना है हम लोगों को। अब आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कि विकास के जो प्रमुख कारण हैं कौन कौन से हैं। तो दो ही प्रमुख कारण हैं विकास के, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द आपका आता है परिपक्वता या मैच्योरिटी, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी मतलब कि क्या होता है, जैसे जैसे बालक समय बीतता है वैसे वैसे बालक कैसा होता जाता है, समझदार होता जाता है, ये आप कहते हैं ना। जब अरे आपने सुना तो होगा छोटी बच्ची हो क्या, तो छोटी बच्ची का मतलब क्या है, वो अभी मैच्योर नहीं है,
है ना। तो जैसे ही उसके अंदर परिपक्वता आती है, मतलब क्या होता है, जो उसके गुण होते हैं ना, वो समय के साथ साथ स्थिरता को प्राप्त होते हैं, दृढ़ता को प्राप्त होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जैसे आंतरिक अंग हो गए और वंशानुक्रम से प्राप्त गुण हो गए, ये जब समय के साथ दृढ़ होते हैं तो इसी को परिपक्वता कहा जाता है। ये सबके अंदर धीरे धीरे समय के साथ आती है। अब यहां पर आपको समझने वाली चीजें क्या क्या हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली एक ही चीज आपको यहां पर समझ लेनी है कि ये वंशानुक्रम मतलब कि हेरिडिटी से संबंध रखता है, किससे, हेरिडिटी से संबंध रखता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये अचानक से नहीं आती है परिपक्वता, कैसे आती है, ये समय के साथ आती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके साथ, समय के साथ। अब परिपक्वता से जुड़ी हुई चीजें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आपकी थिंकिंग हो गई, ठीक है, थिंकिंग हो गई, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, मतलब कि जो तर्क करने की क्षमता हो गई, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, ये सभी कैसे आती है, इन्हीं सब परिपक्वता के कारण ही आती है। दूसरी चीज होती है आपकी अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है। तो अधिगम से तात्पर्य है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, अर्थात अर्जित गुणों को प्राप्त करना। तो अधिगम हम लोग कैसे करते हैं, वातावरण के माध्यम से अधिगम करता है बच्चा, तो उसका विकास क्या होता है, संभव होता है। तो इसीलिए दो कारण बताए गए, और वातावरण से सामंजस्य, जब मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास पढ़ाया था, जो कि आपको मानसिक विकास में पढ़ना चाहिए था, मैं आगे पढ़ाता लेकिन पहले पढ़ा दिया था। तो ये जो है आपका संज्ञानात्मक विकास, आपने देखा था कि जो वाइगोत्स्की ने बताया था कि बालक समाज से ज्यादा सीखता है ना। तो उसी चीज को देखिए, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है बालक, अर्जित गुणों को प्राप्त करता है, तो ये अधिगम हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दो चीजें हैं परिपक्वता। वैसे आपसे हो सकता है कि पूछे, या फिर कोई ऐसा जो है वो नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं विकास, विकास के आयाम। यहां पर दिया है डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम या विकास के पक्ष अगर आपसे पूछे तो। अब यहां पर देखिए क्या है, विकास जो है ये बहुआयामी और बहुउद्देशीय होता है, मतलब कि ये कई आयामों में चलता है। कई आयामों का मतलब क्या होता है, कई क्षेत्रों में बढ़ता है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र, मैं कहूं मानसिक विकास है, या इसे ही आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, सामाजिक विकास, देखिए ये सभी इसके पक्ष बन रहे हैं, ठीक है, कि ये इन इन पक्षों में विकास एक साथ चलता रहता है। तो बहुआयामी हो गया, बहुत से आयामों में चलता है। बहुउद्देशीय हो गया, बहुत से उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कई सारे आयाम होते हैं इसके। कैसे कैसे आयाम होते हैं, मानसिक विकास, बालक का मस्तिष्क विकसित हो रहा है, सामाजिक विकास, जो समाज से अर्जित गुण है वो विकसित हो रहे हैं, जैसे भाषा विकसित हो रही है, शारीरिक विकास मतलब शरीर का भी विकास हो रहा है, वृद्धि एवं विकास। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है, बहुत करेगा तो आपसे अंतर केवल पूछता है, ठीक है, तो वो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर सब आपका क्लियर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास, संवेगों का विकास, मैकडूगल, आपको पता होंगे कि संवेग किसने, 14 मूल प्रवृत्तियां किसने बताई, मैकडूगल ने बताई हैं। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है ये भी, और नैतिकता का विकास जो कोहलबर्ग ने दिया है, अभी मैं आगे आपको बताता हूं, यूपी टेट 2017 में एक ही पेज से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये अगर आपसे विकास पूछे तो ये जो 5 विकास के क्षेत्र हैं ये आपके इसमें आते हैं, विकास के आयाम में 5 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके बारे में, देखिए मैंने बताया ना, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मैंने आपको बताई हैं। जब बालक के विकास की अवस्था हम लोग पढ़ेंगे, जो आपका होगा गर्भकाल या प्रसव पूर्व अवस्था होता है, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो अभी के लिए यहां पर हम लोग देखते हैं, चलिए अब यहां पर एक चीज समझिए कि ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। समझिए क्या है, देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, और इनको जब हम पढ़ाएंगे विस्तृत रूप से तब आपको और मजा आएगा, और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत, और मैंने बताया था कि ये समाज से अर्जित होती है भाषा, तो हम लोग भाषा विकास समाज में पढ़ लेंगे, सामाजिक विकास में किसने दिया है, नॉम चॉम्स्की ने दिया है, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए भाषा से संबंधित कोई भी अगर चीज आपसे पूछता है कि भाषा निर्माणात्मक या इस तरीके से कोई भी चीज आपसे पूछे, तो आप हमेशा नाम चॉम्स्की को लगाएंगे, ठीक है। नैतिकता के विकास का हो तो लॉरेंस कोहलबर्ग को। अब देखिए यहां पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। तो इंद्रिय गामक अवस्था आपने पढ़ा था, वस्तु अस्थायित्व वगैरह होता है ना, तो ये सारी चीजें इंद्रिय गामक है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक है, उसके बाद औपचारिक है, ये आपने चारों अवस्थाएं पढ़ी और बहुत ही अच्छे से पढ़ी है। तो जीन पियाजे से ये प्रश्न पूछा गया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक है सामाजिक विकास या सामाजिक निर्माणवाद और एक है मनोसामाजिक विकास, तो दोनों आपको शब्दों में अंतर समझ के चलना है। यह प्रश्न पूछा गया है और यह भी प्रश्न पूछा गया, दोनों एक ही परीक्षा में पूछा गया है। तो ये एरिक इरिक्सन, आप याद कर लीजिए, मनोसामाजिक एरिक इरिक्सन और सामाजिक निर्माणवाद, क्योंकि मैंने बताया था कि जी वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक के संज्ञान को विकसित करने में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती है, समाज की होती है, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उन्होंने किसे किसे समझा था, समाज को, संस्कृति को, और किसे, और उन्होंने कहा भाषा को, ठीक है, सीसीएल आपको पता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत, तो ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है, आगे मैं पढ़ाऊंगा इनके बारे में, जो लिबिडो वगैरह है ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इड ईगो सुपर ईगो, जब आप व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये चीजें बताई जाएंगी। तो ये आपके सामने छह जो है प्रमुख मैंने सिद्धांत रखे हैं जो परीक्षा में एज इट इज पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें कि बाल विकास के कुछ सिद्धांत है, अब आप कहेंगे बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, तो बाल विकास का सिद्धांत ये होता है कि जब बालक का विकास होता है तो वो किस तरीके से होता है, उसी के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने जो जो अपने विचारधाराएं दी हैं, जो शब्द आपको मिलेंगे, बस उन्हीं को आपको समझ लेना है, परीक्षा में आपसे पूछता है, ठीक है, इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं बाल विकास के, पहला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये है विकास की दिशा का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो दिशा को बताता है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, वो सिद्धांत क्या कहता है उसे आप समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, पूर्व से निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कहने का मतलब यह है कि जो बालक की विकास की दिशा होती है, जो बालक का विकास होना होता है, वो पहले से निर्धारित होता है कि कैसे कैसे चलेगी, कैसे कैसे। देखिए अब जैसे जब निर्धारित है, इसका मतलब है कि ये क्रम से चलेगी, तो विकास कैसा होगा, क्रमिक होगा, एक क्रम के हिसाब से, एक दिशा के हिसाब से चलेगा, तो ये आप समझ के चलेंगे। अब यहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक कुप्पू स्वामी है, इन्होंने इसकी व्याख्या की है दो तरीके से, कैसे कैसे। एक जो है अगर देखें विकास की जो दिशा है वो कैसे कैसे होगी, दो तरीके से इसकी दिशा बनती है, कैसे बनती है, तो एक बनेगी जो मस्तकाधोमुखी है, मतलब कि मस्तक से नीचे की ओर, कैसे, मस्तक धन अधोमुखी, इसको अगर आप लिखेंगे तो मस्तक और अधोमुखी, तो मस्तक और अधोमुखी का मतलब क्या होता है, अधो मतलब होता है नीचे की ओर, मतलब कि मस्तिष्क से नीचे की ओर। यहां पर आपको चित्र दिख रहा होगा कि बालक का पहले मस्तिष्क से विकास होता है और फिर नीचे की ओर आता हुआ जाता है, मतलब कि बालक का पहले सर विकसित होता है, उसके बाद हाथ में क्रिया, फिर पैर में क्रिया, इस तरीके से बालक का विकास होता है, मतलब मस्तक से लेके कहां पैर की ओर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर से नीचे की ओर आप कह सकते हैं, मस्तक से पैर की ओर, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये आपको याद करके रखना है कि मस्तकाधोमुखी मतलब कि विकास का क्रम कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि सिर से पैर की ओर, ठीक है, ये आपका ध्यान में रहेगा ना, सिर से पैर की ओर, और किसने कहा, तो कुप्पू स्वामी के द्वारा ये बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला अगर मैं बात करूं सामीप्यता विकास का क्रम, या अगर इसे कहें तो प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, तो ये जो होता है ये कैसे होता है, इसको भी उन्होंने ही बताया है। उन्होंने इसमें कहा कि जो बालक का विकास होता है ये दो तरीके के हो गए,
अगर आपसे ये पूछे कि चलिए यदि बालक का केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वो कह देगा मस्तकाधोमुखी हो जाए, सामीप्यता विकास हो जाए, निरंतरता का सिद्धांत हो जाए, तो आपको सही उत्तर लगाना होगा, है ना। अब यहां पर क्या होता है कि इन्होंने कहा कि जो बालक का विकास होता है, अगर ये वाला सिद्धांत हम देखें तो जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है पहले यहां से विकास, यहां देखिए रीढ़ मध्य से, उसके बाद ये बाहर की ओर होता है विकास, पहले इसके रीढ़ का विकास मतलब मध्य का विकास होता है, फिर यहां से बाहर की ओर विकास चलता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए दूर अभिमुख या दूराभिमुख विकास होता है, तो इसे ही देखिए सामीप्यता होगा ये, ठीक है इसे सही कर लेंगे आप, सामीप्यता विकास या दूराभिमुख विकास कहा जाता है। मतलब क्या होगा, दूराभिमुख मतलब केंद्र से दूर की ओर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो आपने देखा कौन कौन से, एक मस्तकाधोमुखी है मस्तक से पैर की ओर, और एक आपका हो गया सामीप्यता का विकास क्रम, मतलब कि कैसे हो जाएगा केंद्र से बाहर की ओर, दो हो गए आपके। अब एक हम आगे देखेंगे दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो आपको पता ही है कि जो विकास है, वृद्धि तो एक समय पर जाकर के रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो कैसे होता है, निरंतर चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका विकास होता है उसमें केवल शारीरिक नहीं होता है, शारीरिक आंतरिक सब होते हैं। आप केवल सीखने को लेकर चलिए कि आप हमेशा जीवन भर सीखते रहते हैं, आपके ज्ञान का विकास, तन ज्ञान का विकास होता रहता है, मतलब कि विकास जीवन भर होता है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अगर इस तरीके से भी देखें तो ये जीवन पर्यंत चल रहा है, बच्चा कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। हाँ, एक अंतर हो सकता है कि सीखने की गति धीमी या तेज हो सकती है, मंद या जो है तीव्र हो सकती है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। विकास कब से होता है, तो गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक, मतलब मां के पेट में गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करूं, अगर अगला आपका सिद्धांत आता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, देखिए ये छोटे छोटे टर्म्स है लेकिन आपको ध्यान में रखने हैं। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा, ये आपको अलग से भी पढ़ाया जाएगा, आपको आनुवांशिकता के अंतर्गत भी ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बालक भले एक समान उम्र में हो, लेकिन जो उसका विकास का क्रम होता है या आप सीखने का क्रम भी कह सकते हैं, वो कैसा होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। कोई बालक जल्दी सीखता है, कोई बालक देर में सीखता है, किसी बालक का विकास अपनी उम्र से जो है कम हुआ रहता है, या किसी बालक का विकास अपनी उम्र से ज्यादा हुआ रहता है। तो ये आपको, जैसे कोई बालक जल्दी बोलना सीखता है, कोई बालक बाद में बोलना सीखता है, भले दोनों को एक ही आप परिवेश में रख दें या जो है एक ही परिस्थिति में रखें, लेकिन भिन्नता उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये भिन्नता का कारण क्या होता है, तो दो प्रमुख कारण होते हैं, एक हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकता होता है, और एक आपका होता है एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। तो इन्हीं दोनों पर जो ये तेज या कम होना या ये सारी चीजें किस पे, तो आनुवांशिकता और वातावरण पर निर्भर करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, चलिए नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है समान प्रतिमान का सिद्धांत या क्रमबद्धता का सिद्धांत, इसे हम कह सकते हैं। अब इसमें आप समझिएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए ये समान प्रतिमान, प्रतिमान मतलब क्या होता है कि एक जैसा होगा, जो भी आगे आएगा वो एक जैसा होगा, मतलब कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के अनुरूप विकास के नवीन प्रतिमानों का अनुसरण करती है। नवीन प्रतिमानों का अनुसरण कैसे, मतलब कि यदि कोई इंसान है तो वो अगला जो अगली पीढ़ी आएगी उसकी वो भी इंसान ही तो होगी, तो नवीन प्रतिमान का मतलब ये हो गया नया प्रतिमान विकसित करता है, अपने जैसा ही नया जो है आप कह सकते हैं कि नए जो है जन्म देता है, बच्चे का जन्म देता है अपने ही तरीके का, एक प्रतिमान का, है ना, ये ध्यान में रखेंगे आप। तो नए समान प्रतिमान मतलब अपने ही तरह की प्रतिमा आप कह सकते हैं ना, तो क्या होगा ये आप समझ गए ना। आगे अगर मैं बात करूं कि उनका जो विकास होगा बच्चे का वो उसी के तरीके, जैसे इंसान का बच्चा होगा तो इंसान की तरह विकास फॉलो करेगा, किसी जानवर का बच्चा होगा जैसे यहां पर आप देख रहे हैं गाय का बछड़ा है
तो ये गाय की तरह विकास का अनुपालन करेगा, अनुसरण करेगा। तो यही होता है क्रमबद्धता का सिद्धांत, उसी क्रम में बढ़ेगा और क्या होता है समान प्रतिमान, मतलब कि सेम सेम होगा। ठीक है, अब गाय गाय जो है ये घोड़े के बच्चे को तो जन्म देगी नहीं, अपने समान प्रतिमान को ही जन्म देगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए होता है जो मनुष्य का बच्चा होता है वो मनुष्य ही होता है और उसी के विकास क्रम का अनुपालन करता है, और जानवर का जो भी जानवर हो वो उसी तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो होगा उसका जो नया प्रतिमान होगा वो उसी के तरह फॉलो करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है एकीकरण का सिद्धांत, या इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि एकीकरण का सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध और समन्वय स्थापित रहता है। परस्पर संबंध और समन्वय, कहने का मतलब यह है कि जो विकास होता है वो सभी अंगों में समन्वय स्थापित करके होता है। ऐसा नहीं हो सकता है, देखिए जब इस तरीके से होने लगे कि विकास जो एकीकृत नहीं होगा तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, एकीकृत का मतलब जब कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपके सभी जो अंग होते हैं ना एक आपस में समन्वय स्थापित करके कार्य करते हैं, तभी वो कार्य कैसा होता है एकदम अच्छा। जैसे आप दौड़ते हैं तो आप दौड़ रहे हैं तो आपका हाथ भी इस तरीके से गति करता है, मतलब कि शरीर के सभी अंग क्या करते हैं आपस में समन्वय स्थापित करके चलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी को एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और सभी अंगों का एकीकरण ही जातियों को सरल व सहज बनाता है। जाहिर सी बात है कोई भी कार्य हो, किसी भी जाति की विकास हो जाति का, तो उसको क्या करेगा वो और आसान बना देता है, सरल बना देता है जब उसके सभी अंग क्या होते हैं एकीकृत रूप में विकसित होते हैं। अब आगे बात करें, देखिए ये जब भी आपसे पूछा जाएगा ना तो कोई एक इसी तरीके से आपको सेंटेंस लिख दिया जाएगा उसके बाद पूछ लिया जाएगा, या कोई एक सेंटेंस लिखेगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा सिद्धांत है इसमें। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे बताया था यदि आपसे पूछ ले कि विकास की दिशा क्या है तो उसमें कौन सा सिद्धांत फॉलो होता है, तो मस्तकाधोमुखी, या आपसे पूछ ले कि मस्तकाधोमुखी में कैसे होता है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत या प्रोसेस ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, देखिए स्पाइरल का मतलब होता है इस तरीके से बढ़ना ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्पाइरल। इसी तरीके से जब इस तरीके से वृद्धि बालक का विकास हो तो इसे हम कहते हैं स्पाइरल। तो स्पाइरल यही होता है, मान लीजिए यहां पर आपका बालक है। ठीक है, ये आपका बालक यहां पर है, अब इसका विकास हो रहा है ये एक बार, अरे माफ कीजिएगा, चलिए फिर से देखते हैं। ये मान लीजिए कि बालक का विकास कुछ इस तरह से होगा स्पाइरल में। ठीक है, ये स्पाइरल इसी तरीके से, ये प्रोसेस यही वाला है। अब इसमें क्या आएगा ये आप समझिए, एक मिनट। हाँ, अब देखिए विकास का क्रम जो होता है बालक का इस तरीके से क्या करता है आगे बढ़ता है, मतलब कि इसमें आप समझिएगा बहुत ही बेहतरीन चीज इसमें बताई गई है। सबसे पहले ये समझिए कि ये लंबवत नहीं चलता है, लंबवत होता तो सीधा सीधा चलता, जैसे उन्होंने कह दिया मस्तकाधोमुखी, मस्तक से नीचे की ओर, ये तो लंबवत है, लेकिन यहां पर लंबवत नहीं चल रहा है। यहां पर कैसे चल रहा है, चक्राकार में चल रहा है। कैसे चल रहा है, चक्राकार में चल रहा है, इसीलिए इसे वर्तुलाकार कहा गया है। इसमें क्या होता है कि आप ही समझिए कि अगर आप इस रास्ते से एक बार गुजर चुके हैं, फिर यहां से आप ऐसे चल के जा रहे हैं, फिर यहां से घूम के ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपने और जो है मजबूत बना दिया। मतलब क्या होता है कि इसीलिए कहा गया कि ये जो है सिद्धांत विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण करता है, कि कोई चीज बालक की डेवलप हो चुकी है फिर वो घूम के उसको और एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब कि इसमें रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, तभी तो विकास सुदृढ़ हो रहा है। जैसे आप जो पढ़ते हैं उसको जब रिवाइज करते हैं तो वो क्या होता है, वो नॉलेज आपका कैसा हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है। इसी तरीके से ये विकास भी इस वाले सिद्धांत में रहता है कि विकास का सुदृढ़ीकरण करता है। तो ये प्रश्न आपसे सीधे सीधे हो सकता है परीक्षा में किसी बार पूछ ही ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके विकास के सारे सिद्धांत हो गए। अब जो अगली क्लास हम लोगों की दोस्तों होगी उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं,
और विकास को प्रभावित करने वाले कारण। तो जो भी उसमें हो पाएगा कम समय में ज्यादा चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो प्रमुख विशेषताएं होंगी उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।